हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 1 से 4 मार्च के लिए दैनिक राशिफल। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आपका आने वाला दिन कैसा रहेगा। सातवीं राशि लेते हैं, तुला राशि यानी लिब्रा। तुला राशि 1 मार्च के दिन आपको काफ़ी ज़्यादा संतुलन स्थापित करने की ज़रूरत होगी। आपकी जो पर्सनल लाइफ है, जो प्रोफेशनल लाइफ है, जो सोशल लाइफ है, इसके बीच एक तालमेल बिठाने की ज़रूरत होगी। इस दिन आप अपने भावनाओं पर थोड़ा नियंत्रण रखें, क्योंकि इस दिन आपके अंदर भावुकता आवश्यकता से अधिक होगी और भावुकता के आवेश में आकर के आप कोई ऐसा कार्य कर सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉमिस कर सकते हैं जो आपके लिए फायदेमंद ना हो। इस दिन कार्यों में सफलता मिलने के संयोग तो बन रहे हैं, लेकिन सफलता थोड़ी देर से मिलेगी और आपको संयम बरतने की ज़रूरत होगी। इस दिन जितना ज़्यादा संयम रखेंगे, जितना सहनशील व्यक्ति रहेंगे, उतना फायदे में रहेंगे। 2 मार्च के दिन आपको द्विपक्षीय मामलों में असफलता मिलने के संयोग बन रहे हैं। इस दिन कोशिश करके, प्रयास करके किसी भी 2 कार्य को एक साथ साधने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। 2 मामलों में एक साथ काम करना इस दिन घातक हो सकता है, क्योंकि सफलता दोनों में ही संदिग्ध हो जाती है। 2 मार्च के दिन आप व्यापारिक मामलों में थोड़ी सावधानी बरतें और व्यक्तिगत रिलेशनशिप के मामलों में आपको एग्रेशन से बचना चाहिए। उत्तेजना से, गुस्से से, क्रोध से बचने की ज़रूरत है। दूसरे व्यक्ति की भावनाओं का जितना सम्मान करेंगे, उतना फायदे में रहेंगे। रिलेशनशिप को और आगे बढ़ाने के लिए या एक नए मुकाम पर ले जाने के लिए ये तिथि बिल्कुल बढ़िया नहीं है। इसलिए जो चीज़ जैसी चल रही है यथावत चलने दें। अगर किसी रिलेशनशिप को आप और ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं तो 2 मार्च को उसके संबंध में कोई भी प्रयास ना करें। 3 मार्च थोड़ा चैलेंजिंग दिन रह सकता है। इस दिन चेतावनी आपको इस बात की दी जाती है कि कोई भी ऐसा चैलेंज जो आपकी क्षमता से बाहर का हो, उसे स्वीकार बिल्कुल भी ना करें। आपको ये चीज़ बातों के या कार्यों के शुरुआत में ही पता चल जाएगी कि यह आपके वश का है या नहीं है। अतः दिखावा करने के लिए, अपने आप को सिर्फ साबित करने के लिए कोई कार्य ना करें। किसी भी कार्य में तभी इन्वॉल्व हो, तभी किसी कार्य को हाथ में लें जब आपको उस पर भरोसा हो या अपने आप पर भरोसा हो कि आप इस कार्य को कर सकते हैं। इस दिन छोटे मोटे रिस्क लेने का कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा इस दिन किसी ऐसे कार्य में भी आप हाथ लगा सकते हैं जो आपकी क्षमता से तो परे है, लेकिन आपको पूरी तरह से पता है कि इस कार्य को करना कैसे है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप सोचेंगे तो आप इस चीज़ को समझ जाएंगे। 4 मार्च के दिन आपको चाहिए कि आप अपने आप को परिवार के प्रति थोड़ा ज़्यादा समर्पित करें। धन से संबंधित मामलों में इस दिन सफलता मिलने के संयोग बने हुए हैं, साथ ही साथ धन आपकी ओर आकर्षित होगा, इस बात की भी संभावना है। पुराने कर्जे मिलने के चांसेस बन रहे हैं, साथ ही साथ परिवार पर बहुत ज़्यादा धन खर्च होने के भी संयोग हैं। अतः धन के खर्च पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें, लेकिन अपने परिवार को हर संभव प्रसन्न रखने का प्रयास करें। ज़्यादा से ज़्यादा समय 4 मार्च का परिवार के साथ बिताएं और अपने परिवार की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करें, ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। इन 4 दिनों में प्रेम संबंधों के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए 2 तारीख अच्छी तिथि नहीं है, बाकी 3 दिन ठीक रहेंगे। व्यावसायिक दृष्टिकोण से देखें तो 2 तारीख किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेने के लिए व्यापार में ठीक नहीं है, बाकी 3 दिन अच्छे रहेंगे। तो दोस्तों, ये था दैनिक राशिफल 1 से 4 मार्च के लिए। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, अपने अनुभव, अपने सुझाव आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।